नीतिवचन अध्याय 15। नीतिवचन अध्याय 15। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटुवचन से क्रोध धधक उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन की वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात में आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाशलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी। ठट्टा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और न वह बुद्धिमान के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्ता से पेट भरते हैं। दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साकपत का भोजन, बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करता है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुरुष से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवानों को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु मनभावने वचन शुद्ध है। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुख से बुरी बातें उबल आती है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। और जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता होती है।